हेलो अरीवन आई एम यू टीचर फॉर दिस क्वेश्चन सो लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन नाउ द क्वेश्चन इज दट टू कपैसिटर्स ऑफ कपैसिटेंस थ्री माइक्रोफेराड एंड सिक्स माइक्रोफेराड आर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ ट्वेल वोल्ट ईच दे आर नाउ कनेक्टेड टू ई अदर विद प पॉजिटिव प्लेट ऑफ ईच जॉइंट ट द नेगेटिव प्लेट ऑफ द अर द पोटेंशियल डिफ्रेंस अक्रॉस ईच विल भी ठीक है यानी दो कैपैसीटर्स है यहाँ पे ठीक है जिनका हमको कपैसिटेंस दिया है थ्री माइक्रोफेराड एंड सिक्स माइक्रोफेराड उनको चार्ज किया जाता है इंडिविजुअली विद द पोटेंशियल ऑफ ट्वेल्व वोल्ट ठीक है ना उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है सच दैट एक की जो पॉजिटिव प्लेट है इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर ठीक है तो हमको दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बाद में वो बताना है ठीक है तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे ठीक है तो गिवन डेटा में हमारे पास जो कैपेसिटेंस वन है उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है थ्री माइक्रोफेराड ठीक है कैपेसिटेंस टू की वैल्यू है सिक्स माइक्रोफेराड ठीक है एंड वोल्टेज हमको गिवन है ट्वेल्व वोल्ट ठीक है हमको लेट से सी वन डैश यानी आफ्टर कनेक्शन और सी टू डैश फाइंड करना है ठीक है तो सबसे पहले हमको जो डेटा दिया है ठीक है उससे हम लोग चार्जेस फाइंड करेंगे ठीक है तो ऐसे क्यू वन अगर मैं फाइंड करूँगा तो क्या हो जाएगा सी वन इन वी वन ठीक है हम पे वी वन जो है वो वी हो जाएगा ठीक है दोनों का वोल्टेज सेम दिया हुआ है ठीक है तो सी वन इज़ थ्री माइक्रो फैराइट वोल्टेज इज़ ट्वेल्व तो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स माइक्रोकुलम सिमिलरली क्यू टू जो है ठीक है वो हो जाएगा सी टू इंटू वी टू अगेन यहाँ पे भी वी टू जो है वो इक्वल टू वी हो जाएगा बिकॉज दोनों सेम है तो सी टू जो है ठीक है सिक्स माइक्रो फेराड इंटू वी टू इज ट्वेल्व तो ये जाएगा सेवनटी टू माइक्रोकुलम ठीक है अब हम लोग टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है तो टोटल चार्ज जो जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू ठीक है तो यहाँ पर क्यू वन कितना है हमारे पास ठीक है थर्टी सिक्स माइक्रोकुलम प्लस क्यू टू कितना है सेवेंटी टू ठीक है तो इसको एड करेंगे तो, 108 तो हो जाएगा हंड्रेड एंड एट माइक्रोकुलम ठीक है ना बिकॉज सीरीज कनेक्शन तो चार्ज कंजर्व हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए हम लोग अब जो फाइनल वोल्टेज फाइंड करेंगे तो वी वन जो होगा ठीक है डेट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन सी वन ठीक है तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्यू हमारा है वन जीरो एट सी वन कितना था हमारा ठीक है इट वॉज थ्री ठीक है तैयार से हमको मिलेगा थर्टी सिक्स वोल्ट ठीक है एंड सिमिलरली हम लोग वी टू फाइन करेंगे ठीक है तो so, भी कितना होगा Q अपॉन सी टू ठीक है Q इज़ वन जीरो एट ठीक है C2 कितना था सिक्स तो ये हो जाएगा हमारा एटीन वोल्ट ठीक है तो ये हमको दोनों ही चीज़ें मिल गई ठीक है सो देर फॉर द वोल्टेज आर थर्टी सिक्स वोल्ट एंड एटीन वोल्ट Okay. So I hope you understood the explanation. Thank you.